गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, माइसेल्फ संजय कुमार गुप्ता, मैथ्स एंड साइंस टीचर इन सेंट माइकल सेकेंडरी बेतिया, एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन द 11th प्लेटफॉर्म इन साइंस फॉर क्लास 8 चैप्टर 9 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन सिस्टम इवेंट। दिस इज माय सेकंड वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन विच वी आर गोइंग टू नो अबाउट द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द बर्निंग ऑफ अ बेबी, सिंस इट इज द प्रोसेस इन विच टू डिफरेंट सेल्स एज मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड ओवम, दे ज्वाइन टूगेदर, फ्यूज टूगेदर एंड दे फॉर्म अ सिंगल सेल, दिस इज कॉल्ड जायगोट। एंड जायगोट इज द फर्स्ट इंडिकेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कमिंग चाइल्ड। सो हियर एज यू कैन सी द मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड ओवम मींस एग, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी। सिंस दिस एग फॉर्म इन द बॉडी ऑफ अ फीमेल अ मदर एंड इट वेट्स फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द स्पर्म सेल। एज सून एज द स्पर्म सेल इंटर इन द यूटरस ऑफ फीमेल, नाउ द ओवम अलाउ दिस स्पर्म टू इंटर इन इट एंड फॉर्म अ न्यू जाइगोट। इवन अ मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज बाय अ मैन अ सिंगल टाइम, बट ओनली वन स्पर्म फ्यूज विद द ओवम, क्योंकि लाखों की संख्या में ये स्पर्म निकलते तो हैं, लेकिन ये सारे स्पर्म उस ओवम के साथ नहीं जुड़ते, बल्कि सिर्फ एक स्पर्म जब उस ओवम उस एक के साथ जुड़ता है तो यह तुरंत क्या होता है, वह यह एक क्लोज होता है और फिर इसके बाद वह एक नए सेल का निर्माण करते हैं। यहां पर वह दोनों ही सेल जुड़कर अब एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम जायगोट कहते हैं, और फिर यह जायगोट अब यूटेरस में धीरे धीरे पलते पड़ते रहता है, वह फिर से बढ़ता है, टूटता है, नए टिश्यू में बदलता है, फिर वे टिश्यू आपस में टूटते जुड़ते वे अंगों का निर्माण करते हैं, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और हमें एक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। सो स्टूडेंट, हियर यू कैन सी द डिफरेंट डायग्राम्स एज स्पर्म ओवम दिस इज फ्यूजन प्रोसेस इज बीइंग एंड एट लास्ट द जायगोट इज okay, now we can know about them in detail through our book, so let's start reading book and try to know more. Fertilization, the process of fusion of sperm nucleus and nucleus of ovum or egg is called fertilization. When a sperm from male organism and an ovum from female organism fuse together, they form zygote. This is the first cell of the new organism. Student, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि fertilization एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें male के sperm cell female के egg cells के साथ join होते हैं और फिर
ये दोनों सेल मिलकर के एक सिंगल सेल जिसको जायगोट कहते हैं उसका निर्माण करते हैं, और यह जायगोट ही एक नए जीवधारी का पहला कोशिका होता है। नाउ देयर आर समथिंग मोर गिवन एज साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड सम प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैमल्स बाय क्लोनिंग फ्रॉम सिंगल सेल। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इन एनिमल्स द क्लोन ऑफ शिप वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय यान विलमुट एंड हिज कलीग एट रोजलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग। द क्लोन शिप वॉज नेम्ड डॉली। इट वॉज बोर्न ऑन 5th July 1996। जैसा कि आपको बताया गया कि इन यान विलमुट और उनके साथियों ने सर्वप्रथम एडिनबर्ग में स्थित रोजलिन इंस्टीट्यूट के प्रयोगशाला में सबसे पहला शिप का क्लोनिंग जिसका नाम डॉली दिया गया का निर्माण 5 जुलाई 1996 को किया। नाउ देयर आर दी प्रोसेसेस गिवेन अबाउट विच यू कैन नो बाय रीडिंग देम। नाउ वी शुड स्किप इट एंड गो फॉरवर्ड। सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज बाय नेम इट हैज गिवेन। एक्सटर्नल मीन्स आउटर, मीन्स द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म बिकम्स आउट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। व्हाइल इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज डन इन द इनसाइड ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ अ फीमेल एंड हियर गिवेन एज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट वेज, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। इट इज वेरी कॉमन इन फ्रॉग एंड एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश एंड स्टार फिश। एज देयर आर समथिंग मोर गिवेन इन विच यू कैन नो समथिंग मोर। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन द जायगोट रिसीव्स क्रोमोसोम्स एंड जीन्स इक्वली फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। जैसा कि जायगोट में आपने देखा क्या होते हैं कि कुछ क्रोमोसोम्स और जीन्स जो दो अलग अलग पेरेंट्स जो मादा और नर होते हैं उनके शरीर से निकलते हैं और उनके साथ उनके क्रोमोसोम और जीन्स भी शामिल होते हैं। सो द न्यू इंडिविजुअल दैट डेवलप्स फ्रॉम द जायगोट रिसेम्बल्स विथ मदर इन सर्टेन कैरेक्टर्स एंड विद फादर इन सम अदर कैरेक्टर्स। फॉर दिस रीजन चिल्ड्रेन ऑफ सेम पेरेंट्स नॉट ओनली रिसेम्बल विथ पेरेंट्स बट ऑल्सो विद इच अदर। जैसा कि आपने पाया या देखा होगा कि एक माता पिता से पैदा हुए बच्चे उनके आचार विचार वाले, उनके चेहरे वाले और उन्हीं के समान उनकी कॉपी होते हैं। हियर सम मोर नॉलेज हैज बीन गिवेन एज ड्यूरिंग रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड अदर वाटर बॉडीज। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल कम टुगेदर द फीमेल इज इंड्यूस्ड टू ले एग। रेनी सीजन में क्या होता है, फ्रॉग और टोड जो होते हैं वे अपने पॉन्ड से निकलकर दूसरे वाटर बॉडीज में चले जाते हैं और जब मेल और फीमेल साथ में मिलते हैं तो फीमेल अपने एग को बाहर छोड़ देती है। द एग्स आर लेड इन क्लस्टर्स
एंड मेल डिपोजिट्स स्पर्म ओवर देम। यानी जब यह एक मादा के शरीर से बाहर आता है तो मेल क्या करते हैं, अपने स्पर्म को मादा के एग के ऊपर डाल देते हैं। द स्पर्म स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग टेल ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एग्स। द स्पर्म न्यूक्लियस इंटर्स द एग एंड फ्यूजेज विद द एग न्यूक्लियस एंड फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स। मीन्स जब यह एग उस स्पर्म न्यूक्लियस के संपर्क में आते हैं तो ये टूटते हैं और पुनः एक न्यूक्लियस के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है। When the fusion of male and female gametes take place inside the female body, the fertilization is called internal fertilization. और जब मेल और फीमेल गैमेट मादा के शरीर में फ्यूज होते हैं तो हम इनको इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन occurs इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग reptiles, इंसेक्ट्स, birds, cats, dogs, cattle एंड इवन इन humans। चूंकि ये शरीर के अंदर जायगोट तैयार होते हैं और उनके बच्चे भी उनके बॉडी के अंदर ही बनते हैं। जैसे अगर बच्चे देने वाले जंतु हैं तो जब बच्चे तैयार हो जाते हैं तो वह शरीर से बाहर आते हैं और अंडे देने वाले जो जंतु होते हैं वह भी जायगोट तैयार करके अपने अंडों के ऊपर एक शेल चढ़ाते हैं और फिर उसको शरीर से बाहर कर देते हैं। एक समय आने पर पुनः उन अंडों से वे बच्चे बाहर आ जाते हैं। Now students, about human reproductive system, we will know in the next video. Till then, thank you.